वर्षा ऋतु के आते ही प्रशासन अलर्ट हो जाता है, जर्जर और कमजोर मकानों को गिराने की कार्यवाही करता है। कोई अप्रिय घटना न घटे इसके लिए अक्सर ऐसा होता है जहां पर घटना घटने के बाद प्रशासन की नींद खुलती है और आरोप प्रत्यारोप के दोष शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए फूटा ताल स्थित एक जर्जर मकान को गिराने की कार्यवाही की। SDRF की टीम ने इस कार्यवाही में एक मॉक ड्रिल की ताकि ऐसी आपातकाल में होने वाली अनहोनी रखने के लिए SDRF के जवानों को मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया और होने वाली घटनाओं से बचाव कार्य में निर्देश टीम को दिए गए। वर्षा ऋतु में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अतिक्रमण आयुक्त वेद प्रकाश नगर निगम द्वारा घमापुर शीतला माई स्थित आचार्य विनोबा भावे वार्ड में धमाई बाई का जर्जर हुआ मकान को चिन्हित कर उसे तोड़ने का कार्य चालू किया, जिसमें बारिश में होने वाली घटनाओं में कमी आ सके और जान माल सुरक्षित रहे, और उसको लेकर प्रशासनिक अमले ने मकान को धराशायी करना शुरू किया। इस दौरान मौके पर SDRF की टीम पहुंच गई और आपदाओं में राहत बचाव कार्य को लेकर मौके पर मॉक ड्रिल किए जाने लगी, जिससे SDRF के जवानों द्वारा मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाने आदि की मॉक ड्रिल प्रशिक्षण किया गया। वहीं इस दौरान SDRF जवानों की अचानक शुरू हुई मॉक ड्रिल को देखने राहगीरों और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई लोगों को यहां मॉक ड्रिल प्रशिक्षण समझने में काफ़ी देर लगी। ये नगर निगम प्रशासन से सूचना प्राप्त हुई कि बंबा देवी मंदिर के पास एक जर्जर मकान है, उसमें उसको गिराया जाना है, जिस हेतु डेमोन्स्ट्रेशन की कार्रवाई आज की गई है। ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन में दो व्यक्ति जो है वो मकान के अंदर थे, जिनको SDRF और होमगार्ड की टीम द्वारा जो है सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया और उनको फर्स्ट एड देकर जो है निकटतम चिकित्सालय में पहुंचाया गया एम्बुलेंस के थ्रू। ये कहीं पे ऐसी कोई दुर्घटना घटती है तो NDRF टीम की ट्रेनिंग आज जो आपने मॉक ड्रिल के दौरान बताया, क्योंकि लोग यदि फंसते हैं उसमें तो इसकी भी कोई आप लोग बताते हैं ट्रेनिंग देते हैं? नहीं, बिल्डिंग जो है वो कई प्रकार से कोलैप्स होती हैं, टैंकेट भी होता है, साइड से बिल्डिंग भी कोलैप्स होती हैं। ये देखना पड़ता है कि हैवी मटेरियल है या जो कच्चा मकान है, तो उसमें क्या है कि आम जो आसपास के लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं, क्योंकि प्रशासन के पहुँचने से पहले जो पड़ोसी है वो ही सबसे ज़्यादा मदद करता है। इसमें जल्द से जल्द जितना जल्द जो है सर्च एंड रेस्क्यू की कार्रवाई की जाए उतनी जल्दी विक्टिम को अपन जो है बचा सकते हैं। आप NDRF टीम की तरफ से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मेरा यही है कि जब भी ऐसी स्थिति आए कि मकान जो है दरारें पड़ने लगे तो उसको जल्द से जल्द जो खाली कराने की कार्रवाई की जाए और पुलिस प्रशासन नगर निगम प्रशासन को सूचना दी जाए। आज के निगम प्रशासन के साथ आपका संयुक्त कार्रवाई में कहां पर आपकी ट्रेनिंग हुई है मॉक ड्रिल NDRF टीम की? ये जो है बंबा देवी मंदिर आचार्य विनोबा वार्ड में हमने ज्वाइंट कार्रवाई की है। प्रशासक महोदय के निर्देशानुसार एवं आयुक्त महोदय, निगम आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जर्जर भवन हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें धर्माबाई बंबा देवी मंदिर के सामने आचार्य विनोबा वार्ड में जर्जर भवन हटाने की कार्रवाई जैसा आप देख सकते हैं की गई। उसके साथ साथ होमगार्ड की टीम के साथ जो है हमने रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया और हमने डेमो दिया कि कैसे जनता को बचना है, कैसे बचाया जाता है, इन टाइप की इम्पोर्टेंट जानकारी जनता को दी गई। ये मकान तोड़ने के दौरान कुछ विवाद की स्थिति होती है क्या? हाँ, विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी पर ठीक है उसको जो है और ये लगभग निरंतर कार्य चलता रहेगा। हाँ, तकरीबन हमने 3 दर्जन से अधिक जर्जर मकान तोड़ दिए हैं। आज कहाँ पर कार्रवाई हुई? आज जो है बंबा देवी मंदिर के सामने आचार्य विनोबा वार्ड में श्रीमती धर्माबाई जी के मकान में ये कार्रवाई की गई। ठीक। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।